एमसीयू में हल्का किरदार निभाने वाले मार्क रफलो की जिंदगी उनके किरदार जैसी ही आसान नहीं रही, और उन्होंने अपनी जिंदगी में मर्डर से लेकर जानलेवा बीमारी तक सब कुछ देखा है। वो स्क्रीन पर एक साइंटिस्ट का रोल बेशक निभा चुके हैं, पर उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी और पढ़ाई की इक्वेशन कभी ढंग से जमी नहीं, जिसकी वजह से उनके अर्ली 20s में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। इस वीडियो में मैं आपको मार्क की ग्रेट या ट्रेजिक लाइफ से परिचित कराऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मार्क की कहानी आपको जिंदगी में मेहनत करने के लिए बहुत प्रेरित करेगी। मार्क का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन शहर में हुआ, जहां उनकी माँ मैरी रोज एक हेयर ड्रेसर थी और वहीं उनके पिता फ्रैंक लॉरेंस रफलो एक कंस्ट्रक्शन पेंटर थे। मार्क की दो बहनें हैं टानिया और निकोल। मार्क का एक भाई भी हुआ करता था, जिनकी मृत्यु 2008 में हो गई। मार्क ने कैथोलिक स्कूल से अपनी पढ़ाई करी और बचपन में वो डिस्लेक्सिया और ADD से भी गुजर रहे थे। ADD यानी अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, जिसकी वजह से मार्क किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते थे और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बदकिस्मती की बात यह है कि उनके डिस्लेक्सिया का कभी इलाज ही नहीं करवाया गया और उन्होंने इसी तरह अपनी पूरी स्कूल लाइफ बिता दी। स्कूल के दिनों में वो रेसलिंग भी किया करते थे। एक समय पर तो उन्होंने ये तक सोच लिया था कि वे बड़े होकर एक प्रोफेशनल रेसलर ही बनेंगे। फर्स्ट कॉलोनियल हाई स्कूल से मार्क ने अपनी पढ़ाई पूरी करी और यहीं पे उन्होंने एक्टिंग प्लेस में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया था। स्कूल के बाद उनके पिता ने अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर बदले और इसी वजह से वे सैन डियागो, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में थोड़े थोड़े वक्त के लिए रहे। समय कुछ इस तरह बदला कि उनके पिता का बिजनेस बंद हो चुका था और उनके लिए पैसों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। स्कूल के बाद मार्क को रेसलिंग स्कॉलरशिप मिल रही थी, पर मार्क ने रेसलिंग के पहले एक्टिंग को चुना और स्कॉलरशिप ठुकरा दी। मार्क ने अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया, जहां उन पर जितने भी पैसे होते थे वो घर के किराए में चले जाते थे। ज्यादातर हफ्तों में वो चारों सिर्फ पास्ता खाकर काम चलाते थे। जिंदगी के इस पहलू से तो उन्हें नाराजगी हाथ लगी रही थी, साथ ही वे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। रोज रोज ऑडिशंस देना और उनमें रिजेक्ट होना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। इसके बाद उनके एंगर इश्यूज भी बढ़ने लग गए। जब वो अपने अपार्टमेंट में निराश लौटते थे तो अपना गुस्सा दीवारों पर पंचेस मारकर उतारते थे। एक समय था जब दीवार में हुए छेदों को छुपाने के लिए उन्हें हर जगह पोस्टर्स और पिक्चर्स लगानी पड़ती थी। मार्क करीब करीब 600 ऑडिशन से रिजेक्ट किए जा चुके थे। कुछ समय के बाद उनको रियलाइज हुआ कि उनके पास पहले ही बहुत कुछ है और इसके लिए उन्हें थैंकफुल होना चाहिए, ना कि गुस्सा। उन्होंने अपने दिमाग को नियंत्रण में करना शुरू कर दिया, पर शुरुआत में ये इतना आसान नहीं था। इसीलिए एक दोस्त के कहने पर उन्होंने मेडिटेशन करनी शुरू कर दी, जिसने उनका जिंदगी की तरफ नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। उनके अंदर यूं मानो कि कॉन्फिडेंस की नई बहार सी आ गई थी, जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि अभी जो भी है, जैसा भी है, सब ठीक हो जाएगा। उनका काम और लक दोनों अच्छे होने लगे और उन्हें अपनी पहली एक्टिंग जॉब भी मिल गई। पर अभी भी उनकी जिंदगी संभलने से बहुत दूर थी। वो कम पैसों की वजह से लॉस एंजलिस के मैकआर्थर पार्क के पास रहते थे। ये इलाका ड्रग डीलर्स और ड्रग एडिक्ट से भरा हुआ था। मार्क बताते हैं कि उस माहौल में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ क्राइम और ड्रग्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक बार तो जब मार्क के पड़ोसी ने कुछ लड़कों को गाड़ी चुराने से रोकने की कोशिश करी तो उन लड़कों ने पलट कर पड़ोसी को वहीं चाकू से मार दिया। कुछ समय के बाद मार्क ने पैसों के लिए बारटेंडर की नौकरी भी शुरू कर दी और एक दफा जिस जगह वो काम करते थे वहां एक चोर आया और उसने मार्क और स्टाफ की ओर बंदूक तान दी। लकीली उस जगह पर उस समय एक पुलिसमैन मौजूद था, जिसने उस चोर को वहीं गोली मार दी। इतने समय तक स्ट्रगल करने के बाद उन्हें फाइनली एक बड़ा मौका मिला फिल्म यू कैन काउंट ऑन मी से। ये फिल्म हिट हुई और इसके बाद उन्हें 2001 की फिल्म द लास्ट कैसल में काम मिला। ये फिल्में बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस की जा रही थी और इनसे मार्क की पैसों की प्रॉब्लम भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। पर अब मार्क के लिए ऐसा हो गया था कि एक समस्या जाती थी तो दूसरी आ जाती थी। उन्हें अब पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। मार्क को बताया गया कि उनके कान के पीछे एक गोल्फ बॉल जितना बड़ा ट्यूमर है और जल्दी से जल्दी उसकी सर्जरी कर उसे निकालना होगा। सर्जन्स ने यह भी बताया कि चांसेस हैं कि इस सर्जरी के बाद उनका एक कान काम करना बंद कर सकता है और यहाँ तक कि उनका आधा चेहरा पैरालाइज भी हो सकता है। इसी समय पर उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और वो कुछ ही हफ्तों में एक्सपेक्ट भी कर रही थी। मार्क को लगने लगा कि अब वो बच नहीं पाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए एक वीडियो टेप तक तैयार करी, जो वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनके बेटे को दिखाई जाए। मार्क को लग रहा था कि वो ऑपरेशन के दौरान ही मर जाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ भी। ऑपरेशन के समय उनके दिल ने कुछ सेकंड्स के लिए काम करना बंद कर दिया था, पर लकीली वो फिर शुरू हो गया।
ऑपरेशन खत्म हुआ और ट्यूमर भी निकल गया, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने लेफ्ट ईयर से कुछ सुन नहीं सकते और उनके चेहरे का लेफ्ट हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। मार्क का एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म सा हो गया। वो जानते थे कि कोई भी अपनी फिल्म में पैरालाइज्ड एक्टर को काम नहीं देगा। अगले 10 महीनों तक उनका चेहरा वैसा ही रहा, पर उसके बाद चेहरा ठीक होने लगा। उनके चेहरे की नर्व्स ठीक तरह से काम करने लग गई थी और इसने मार्क को जितनी खुशी दी उसका अंदाजा हम और आप लगा तक नहीं सकते। उन्होंने तुरंत ही वापस काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके बाद कई फिल्में करी और सभी फिल्में एक के बाद एक हिट साबित हुई, फिर चाहे वो रूमर हैज़र्ड हो या ज़ोडियाक हो। उन्होंने कुछ ही वर्षों में खुद को एक मेनस्ट्रीम हॉलीवुड एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। पर इसके बाद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना हुई जब दिसंबर 2008 में उनके छोटे भाई स्कॉट की हत्या कर दी गई। स्कॉट का जाना मार्क के लिए मेंटली बहुत दर्दनाक साबित हुआ क्योंकि दोनों भाइयों ने अपनी जवानी के दिन एक साथ गुजारे थे और मार्क की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में स्कॉट हमेशा मार्क के साथ खड़े रहते थे। अपने भाई के जाने के सदमे के कारण मार्क ने ग्रीनबर्ग फिल्म बीच में ही छोड़ दी क्योंकि वो अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे। इस ट्रेजेडी ने जितना उनसे लिया उतना मार्क को वापस दिया भी। पिछली फिल्म छोड़ने की वजह से उन्होंने वापस काम ढूंढना शुरू कर दिया और अब उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं करी होगी। मार्वल स्टूडियो उस समय हल्के किरदार के लिए एक्टर ढूंढ रहा था और तभी उन्हें मिले मार्क रफलो, जो इस रोल के लिए परफेक्ट थे। मार्क ने 2012 की एवेंजर्स में पहली बार हल्क यानी ब्रूस बैनर का किरदार निभाया और इसी फिल्म से उनकी एक्टिंग की तारीफें पूरी दुनिया भर में होने लगी। इसके साथ ही उन्होंने कई और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम करा जिनमें शामिल है 2010 में रिलीज हुई शटर आइलैंड, जो अभी तक की बेस्ट थ्रिलर मूवीज में गिनी जाती है। अवेंजर्स के बाद उन्होंने आयरन मैन 3, एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारॉक, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हल्का किरदार निभाया है और अब ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर इस रोल को कोई निभा ही नहीं सकता था। ऐसा लगता है जैसे ये किरदार मार्क के लिए ही लिखा गया हो। उन्होंने साबित कर दिया कि जिंदगी में मुश्किलें भी उन्हीं के जीवन में आती हैं जिनके पास उनसे लड़ने की ताकत हो। अपने किरदार हल की तरह ही मार्क ने भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और अंत तक लड़ते रहे और आखिर में दुश्मनों पर जीत हासिल करी। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो जून 2000 में मार्क ने सनराइज कॉलोनी से शादी करी और आज उनके 3 बच्चे भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी मार्क रफलो हमें हल के किरदार में और मूवीज में दिखेंगे और पहले से और भी कई ज्यादा एंटरटेन करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी हल्का किरदार निभाने वाले मार्क रफलो की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपका फेवरेट एवेंजर कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या हमें उनकी जिंदगी पर एक वीडियो बनानी चाहिए या नहीं आप हमें ये भी बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हो और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।